नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। फाइनली आप पंचायत का विजिट किया तो कैसा रिएक्शन था पब्लिक का सर? अभी आप देखिए ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट पहले से भारतीय जनता पार्टी का एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशनली भी एस्टेब्लिश है और यहाँ का आम जनता भी मोदी को पसंद करता है और पेमा खांडू को पसंद करता है, तो इसलिए लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में आज मैं 500 में पहुंचा हूँ। यहाँ होनसुन गांधा मोनारबोल मिनिस्टर जितना तय है और उर्पार लोंगडिंग में कानपो साहब को जीत तय है और कानूबारी में गैब्रियल वांगसू को जीत तय है। ये जीत ऐसे नहीं होता है, ये जीत मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल में जो बेनिफिट लोगों को मिला और कनेक्टिविटी जो रोड कनेक्टिविटी आप देखिए वेल कनेक्टेड है और हर घर में पानी पहुंचा दिया, हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी, हर गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी और कोरोना समय से लेकर आज तक मोदी साहब देश भर में 80 करोड़ लोगों को फ्री राइस दे रहा है, ये सब बेनिफिट है। और सीएम साहब के तरफ से अरुणाचल वासियों को सीएमए कार्ड 5 लाख मेडिकल इंश्योरेंस और मोदी का तरफ से आयुष्मान भारत जो पीएमजे वही बोलता है उसका सारा बेनिफिट लोगों को मिला, उज्ज्वला योजना से गैस मिला और पीएमए हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना से हर गांव में घर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सब बेनिफिट देखते हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी को पसंद है और हमारा नेता तीनों नेता को लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से फिर हम लोग बाजी मारेगा और साथ साथ में तपुर गांव भी साथ में बाजी मारेगा। लेकिन सर यहाँ का जनता का मेन आपसे ये सवाल है कि 5 साल में एक बार भी विजिट नहीं किया, इसका आप क्या कहना चाहिए? देखिए मैं हूँ एक आदमी कुंसा गांव तो गया हूँ, ये मेरा इस कुंसा मतलब कुंसा डिस्ट्रिक्ट से कुंसा विलेज वहां तक मैं जाके वहां से मैं लोहा टुकड़ा लेके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू कुंसा गांव से वहां तक पहुंचाया और ये मैं इस पंक्सो में ये मेरा सेकेंड विजिट है और लोंगडिंग में मैं कितना बार विजिट हुआ मैं हिसाब नहीं है और मैं वक का पहले से भी विजिट किया हूँ, नीनू विजिट किया हूँ, काल भी कैंपेन में मैं विजिट किया हूँ, तो इसलिए यहाँ का लोग एक एमपी कोई भी एमपी 900+ गांव है हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 900+ गांव में मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी नहीं घूम पाएंगे, सर्कुल हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही एमपी का आना जाना होता है, कहीं कुछ प्रोग्राम होता है तो गांव में भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गांव विजिट नहीं करता हूँ। बल्कि आप 2 दिन से यहाँ का दौरा कर रहे हैं लेकिन यहाँ का जो पब्लिक है पब्लिक की तरफ से अभी तक कोई ऐसा प्रपोजल दे अभी तक? अभी देखिए बहुत सा प्रपोजल है और अभी आप देख लीजिए ये कहाँ है गेट जाते समय आप लोग किस लेना लोंगडिंग टाउन में घुसने के लिए जो गेट बना है वो तपिर गांव ने होनसुन साहब को बोल के बनवाया है पंक्साव में और लोंग बहुत है 22 स्कीम्स मैंने सेंट्रल स्कीम्स स्टेट स्कीम्स तीनों एरिया में मैंने एक एमपी के हिसाब से जो कुछ देना है सब जगह में नहीं दे पाता है लेकिन हर टारगेटेड प्लेस में मेरा स्कीम्स गया हुआ है। सर बाकी पानी जब बोलो रोड कम्युनिकेशन को बोलो तो धीरे धीरे पहुंच रहा है आपका जनता पार्टी का कैपेस है लेकिन अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में पूरा वांचोन जो ज्यादातर है इसी पंचों और सर्कल के अंदर ज्यादा है लेकिन हाईवे नहीं है, लोगों को यहाँ हाईवे की जरूरत है, इस पर आप क्या? इसलिए मैं मेरा भाषण में भी कहा राजा ने भी डिमांड किया लोंगडिंग से पंगसाओ तक 2 लेन होना चाहिए और तिशा से वक्का तक 2 लेन होना चाहिए, ये रोड जो है बीआरओ के अंदर में बीआरओ भी इसको बनाना चाहिए, ये हम लोग का काम है, इसको हम लोग
वादा करता हूँ कि इस 5 साल में, आने वाला 5 साल में हम लोग इसको जरूर निभाएंगे। साथ में वक्का से फंक्शो तक ये रास्ता अभी भी कनेक्ट हो गया, लेकिन ये भी वेल कनेक्टेड होना पड़ेगा, ये हम लोग का पब्लिक को वादा है, इसको हम लोग जरूर मेहनत करेंगे। सर मेरा और लास्ट सवाल है, यहाँ का जनता का कहना है कि आपको एमपी हर साल एमपी जीतने में लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का हाथ मेजोरिटी ज्यादा होता है हर साल, ये आपको आप सच मानते हैं इसको? मैं 100% मानता हूँ, पॉपुलेशन भी यहाँ है, यहाँ के लोग हमको भी अच्छा पाता है अपना लोकल लीडर का तरफ से, और मोदी साहब को भी इन लोग अच्छा पाता है, तो मोदी अच्छा है, पेमा खांडू अच्छा है, हंसुन गंदम अच्छा है, तो तफरी गांव तो खराब नहीं हो सकता है। थैंक यू।